द्वारका, एक ऐसा शहर जो कि खुद भगवान कृष्ण ने बनवाया था। ऑफकोर्स इट वॉज नॉट अ नॉर्मल शहर, एंड जैसा कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट में डिटेल्स हैं अबाउट द्वारका कि इट वॉज अ वेल प्लान्ड, वेल कनेक्टेड एंड अ हब ऑफ ट्रेड काइंड ऑफ सिटी, जो कि उस समय की वन ऑफ द बेस्ट सिटीज थी अराउंड द वर्ल्ड। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो द्वारका जिसे आज हम द्वारका बोलते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कृष्णास द्वारका। जो कि एग्जैक्टली कहाँ थी, एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, बिकॉज हजारों साल पहले भगवान कृष्ण के धरती से जाने के बाद द्वारका के साथ कुछ भयानक हुआ। और अगर अर्जुन के शब्दों में कहूँ तो इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स इट वॉज ऑल ओवर, देर वॉज नो ट्रेस ऑफ द सिटी, द्वारका वॉज जस्ट अ नेम, जस्ट अ मेमोरी। मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि महाभारत वॉज एन एक्चुअल इवेंट ऑफ हिस्ट्री, एंड मैं जब ये द्वारका के इतने भयानक तरीके से डूब जाने के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे एक ही सवाल आता है कि अगर हजारों साल पहले अरेबियन सी में, डेट इज द्वारका के पास वाले समंदर में, एकदम से इतना भयंकर सी लेवल राइज हुआ था जिसकी वजह से द्वारका शहर डूब गया, तो कुछ तो एविडेंस होना चाहिए ना जो इस चीज को प्रूव करता हो। किसी तरह का साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडीज होनी चाहिए जो कि ये दिखाता हो कि हजारों साल पहले इस एरिया में कुछ तो हुआ था। And to answer this question, I started researching. I spent hours and days doing it. And now, interestingly, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। देखो, this video is part 4 of my महाभारत evidence series, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से part by part महाभारत war की exact date calculate करी थी। We used methods like astronomy, genetics, archaeology and many more aspects of science. देखो, सबसे पहले part 1 में we found कि वेद व्यास जी की महाभारत में there is one specific verse जहाँ पर वेद व्यास जी ने बहुत cleverly एक astronomical observation encode करी थी। That is, देखो, there are two twin stars, Alcor and Mizar, जिनको हिंदू astronomy में अरुंधति एन वशिष्ठ बोला जाता है। तो वेद व्यास जी बताते हैं कि अभी जब महाभारत का युद्ध चल रहा है तब धरती से देखने पर रात के आसमान में अरुंधति तारा वशिष्ठ तारे के आगे चल रहा है। मतलब महाभारत के समय रात में अरुंधति तारा पहले होराइजन के ऊपर आता था एंड वशिष्ठ उसको फॉलो करते हुए अरुंधति के बाद होराइजन के ऊपर आता था। बट अगर हम आज रात में जाकर देखें तो इसका उल्टा ही हो रहा है। दैट मींस आज के समय वशिष्ठ इज वॉकिंग अहेड ऑफ अरुंधति, एंड दैट इज हाउ वी फाउंड कि महाभारत वॉर 11091 BC के पहले और 4508 BC के बाद हो ही नहीं सकता, बिकॉज यही वो 6500 साल का फेस था जब अरुंधति वॉज वॉकिंग अहेड ऑफ वशिष्ठ। इसके बाद आई क्रिएटेड पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज, जिसमें वी क्लोजली कैलकुलेटेड कि महाभारत वॉर के समय और उसके बाद भीष्म पितामह कितने समय के लिए तीरों की शैया पर थे, विच टर्न्स आउट कि भीष्म पितामह वॉज ऑन द बेड ऑफ एरोज फॉर एटलीस्ट 92 डेज, एंड उसके थ्रू हमें पता चला कि महाभारत वॉर 6722 BC से 5125 BC के बीच में ही कहीं हुई है। एंड देन आई क्रिएटेड पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हमने देखा कि कैसे महाभारत टेक्स्ट में एक मेन स्टोरी लाइन के अलावा लिटरली 300+ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस भी एनकोडेड हैं, जिसमें वेद व्यास जी ने अलग अलग दिन अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशन बताई है, लाइक जुपिटर, मार्स एंड इवन सैटर्न की पोजीशन, जिनको एस्ट्रोनॉमिकली कैलकुलेट करके वी फाइनली फाउंड आउट कि 16 अक्टूबर 5561 BC वॉज द फर्स्ट डे ऑफ महाभारत वॉर। मतलब आज से लगभग 7500 साल पहले महाभारत वॉर हुआ था। आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू टू वॉच दोस 3 पार्ट्स ऑफ महाभारत एविडेंस सीरीज, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि हम इस डेट तक कैसे पहुंचे। नाउ अगर ये वॉर 7500 साल पहले हुआ है तो द्वारका भी तभी डूबी होगी। तो माई पॉइंट इज, अगर महाभारत एक हिस्टोरिकल इवेंट है और अगर द्वारका सच में 7500 साल पहले डूब गई थी, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या 7500 साल पहले इस द्वारका वाले एरिया में, यानी कि अरेबियन सी में, एकदम से इतना भयानक सी लेवल राइज हुआ था, क्योंकि लॉजिकली होना चाहिए। और अगर हमें ऐसा कुछ एविडेंस मिलता है तो ये 5561 वाली डेट तो वेरीफाई हो ही जाएगी, पर साथ में द्वारका की कहानी भी सच साबित हो जाएगी। देखो, देर आर मेनी साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अगेन अराउंड द वर्ल्ड, जो कि पिछले हजारों सालों का डेटा लेके अलग अलग जगह के सी लेवल्स को ट्रैक कर रहे हैं, ऑफ कोर्स थ्रू सम ओशनोग्राफिक मेथोडोलॉजीज। सो दिस इज वन ऑफ दोज स्टडीज बाय प्रोफेसर ज़ेरेंस ऑफ SM यूनिवर्सिटी अमेरिका, जिसमें उसी जगह के सी लेवल को ट्रैक किया गया है जिस एरिया में द्वारका है, डेट इज अरेबियन सी। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस इज अ टाइम लाइन एंड वाई एक्सिस इज द डेप्थ इन मीटर्स। अब देखो, आज यानी कि 2000 ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट सी लेवल्स इज हियर एट
किलोमीटर एंड अराउंड 9000 BC, मतलब आज से लगभग 11000 साल पहले सी लेवल ऑफ दिस एरिया वॉज बिलो मोर देन 25 meters देन टूडेज सी लेवल। पर इस ग्राफ में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वेन यू विल सी अराउंड 5500 BC, मतलब जब हमारे हिसाब से द्वारका सबमर्ज हो गई थी, तो यू कैन क्लियरली सी अ कैटास्ट्रोफिक राइज इन सी लेवल ऑफ मल्टी मीटर्स एग्जैक्टली अराउंड 7500 साल पहले। डेट प्रूव्स कि आज से 7500 साल पहले अरेबियन सी में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सडनली सी लेवल इतना राइज हुआ कि द्वारका भी। पर डोंट यू फील कि एक रिसर्च इज नॉट इनफ टू प्रूव एनीथिंग, एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो आपके दिमाग में एक और चीज आई होगी कि अगर उस टाइम पे एकदम से इतना कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट हुआ था जिसमें पूरा का पूरा शहर डूब गया, तो क्या उसका असर बस द्वारका तक रहा होगा? आई मीन यू नो ऑलमोस्ट ऑल ओशंस आर कनेक्टेड, तो अगर एक जगह इतना भयानक सी लेवल राइज हुआ तो उसकी वजह से दुनिया के बाकी पार्ट्स के सी लेवल में भी थोड़ा बहुत तो फर्क आया होगा ना। डेट मीन्स अगर 7500 साल पहले द्वारका वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सुनामी, तो हमें द्वारका के अलावा दुनिया के बाकी पार्ट से भी ऐसे एविडेंस मिलने चाहिए जैसे कि अरेबियन सी से मिले, तभी हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। एंड गेस व्हाट, आई अगेन हैव समथिंग फॉर यू। देखो, दिस इज कैरेबियन एरिया जो कि वही वेस्ट इंडीज वाला एरिया जो कि अरेबियन सी से बहुत दूर है। नाउ वी हैव दिस स्टडी बाय प्रोफेसर पॉल ब्लैंकन एंड जॉन शो, जिन्होंने पिछले हजारों सालों के डेटा को लेके वहाँ के सी लेवल को ट्रैक किया है। इसमें भी द एक्स एक्सिस इज द टाइमलाइन एंड वाई एक्सिस इज डेप्थ इन मीटर्स। दिस स्टडी क्लियरली शोज कि पिछले 20,000 सालों में इस कैरेबियन एरिया में 3 CRE मतलब कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट हुए हैं, यानी कि एकदम से सी लेवल का राइज होना, एंड उनमें से सबसे रिसेंट वाला CRE 3 जो कि अगेन हैपेंड अराउंड 7600 साल पहले, जिसमें वहाँ पर 6.5 meters का सी लेवल एकदम से राइज हो गया था। इंटरेस्टिंगली दिस ब्यूटीफुली मैचेस विद द डेट ऑफ महाभारत एंड अरेबियन सी का एविडेंस। दैट मींस जब द्वारका में सुनामी आई थी तो केवल द्वारका में ही नहीं, वहां से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन एरिया में भी कैटास्ट्रोफिकली सी लेवल राइज हुआ था। नाउ इफ यू नोटिस ध्यान से, दिस कैटास्ट्रोफिक राइज वॉज अराउंड 7600 ईयर्स बिफोर टूडे, पर हमारी डेट तो 7500 साल पहले की है ना। देखो यार, ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, दीज आर साइंटिफिक स्टडीज डन थ्रू वेरियस डिफरेंट मेथडोलॉजी, एंड ऑफकोर्स कोई इंसान नहीं है जो कि हजारों सालों से वहाँ के सी लेवल को ट्रैक कर रहा है। सो दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ एरर ऑफ प्लस माइनस 100 ईयर्स। नाउ कैरेबियन एरिया के डेटा से आगे चल के लेट मी शो यू अनदर इंटरेस्टिंग स्टडी फ्रॉम इंडोनेशियन एरिया। दिस इज एन रिसर्च बाय मल्टीपल साइंटिस्ट नेम्ड हियर एज यू कैन सी, जिसमें पिछले 7500 साल का डेटा लेके सारी पॉसिबल सुनामीज को मैप किया है। इस ग्राफ में दिस माउंटेन लाइक आर डेटेड सुनामी जो कि उस एरिया में आई थी, एंड वी कैन क्लियरली सी कि इन द स्टार्टिंग दैट इज एग्जैक्टली 7500 साल पहले देयर इज अ डेटेड सुनामी। दिस मींस कि 7500 साल पहले जब द्वारका में सुनामी आई थी तो वहां तो आई ही थी, उसके साथ कैरेबियन आइलैंड्स में भी एकदम से सी लेवल राइज हुआ था, एंड उसी के साथ इंडोनेशियन एरिया में भी एक सुनामी आई थी, एंड दिस फर्दर मेक्स आवर क्लेम स्ट्रॉन्ग। बट इंटरेस्टिंगली दिस इज नॉट ऑल, अभी लिटरली और बहुत सी जगहों से ऐसे एविडेंस मिले हैं थ्रू डिफरेंट ओशनोग्राफिक स्टडीज जो कि वही 7500 साल पहले वाले टाइम पीरियड पर सम काइंड ऑफ सुनामी या फिर सी लेवल राइज शो कर रहे हैं। एरियाज लाइक ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक सी अराउंड टर्की, एंड इवन पोम्बुआर इन तमिलनाडु। एंड दिस प्रूव्स कि हाँ, 7500 साल पहले द्वारका सबमर्ज अंडर वाटर ड्यू टू अ कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट, एंड दैट अल्टीमेटली प्रूव्स कि महाभारत हैपेंड फॉर रियल। पर अगर सच में 7500 साल पहले द्वारका डूब गई थी तो आज वहां समुद्र के अंदर हमें उस शहर के रिमेन्स मिलने चाहिए ना? Of course, yes. तो देखो, पिछले कुछ सालों में आज के द्वारका के अराउंड कुछ अंडरवाटर एक्सकेवेशंस हुए हैं, लाइक 1983 एक्सकेवेशंस लेड बाय फेमस आर्कियोलॉजिस्ट एसआर राव, जिसमें बहुत तगड़ी चीजें मिली लाइक मेन मेड आर्टिफैक्ट्स, पोट्री एंड इवन सॉलिड वॉल्स, जिनकी कार्बन डेटिंग करी तो अराउंड 1500 BC तक के निकले। बट द थिंग इज, अभी तक जो एक्सकेवेशंस किए गए हैं उनकी साइट वॉज वेरी क्लोज टू टूडेज कॉस्ट लाइन, एंड बहुत से रिसर्चर्स ये मानते हैं कि कृष्णा के द्वारका आज की कॉस्ट लाइन से बहुत किलोमीटर दूर है टुवर्ड्स अरेबियन सी। तो इसीलिए अभी तक के एक्सकेवेशन में सिविलाइजेशनल एविडेंस तो मिले हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली वो कृष्णा के द्वारका के नहीं है। सो नाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड कि उसको ढूंढने के लिए डीप वाटर एक्सकेवेशंस हो, जिसमें फॉर श्योर हमें और पुराने आर्टिफैक्ट्स एंड एविडेंस मिलेंगे। नाउ आई वॉन्ट टू मैंशन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ये जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया या फिर इस पूरी महाभारत एविडेंस सीरीज में बताया, ये सब मैंने डॉक्टर निलेश ओक की रिसर्च से लिया है जो कि पिछले करीबन 20 सालों से महाभारत डेटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। बट द थिंग इज, निलेश सर के अलावा भी और बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो कि सेम महाभारत एंड रामायण डेटिंग पर काम कर रहे हैं, पर मैंने निलेश सर का काम इसलिए दिखाया क्योंकि सिंपली इट मेड मोर सेंस टू मी एंड इट वॉज मोर डिटेल्ड एंड अवेलेबल। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये 100% सही है या फिर बाकी
बाकी सारे रिसर्चर्स की रिसर्च 100% गलत है, बिकॉज एज द लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक स्टडीज देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ सम काइंड ऑफ मिनिमल एरर्स। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच द डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ दिस रिसर्च, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं। एंड इस वीडियो में जितने साइंटिफिक स्टडीज दिखाई और जो नहीं दिखाई उनको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ, तो उनको देखो, पढ़ो एंड देन इंटेलेक्चुअली एंड कॉन्फिडेंटली बोलो राधे राधे।